यानी कंप्यूटर की इकाई। इसमें क्या होगा, इसको तीन टाइप बांटा गया है, एक होता है इनपुट यूनिट, दूसरा क्या होता है आउटपुट यूनिट, और तीसरा प्रोसेसिंग होता है ना। ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे आपने लिखा इनपुट यूनिट, और दूसरा क्या लिखा आउटपुट यूनिट, तीसरा लिखा प्रोसेसिंग यूनिट, और कुछ होता है क्यूब, और कुछ होता है इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, तीसरा जो होता भी होगा स्टोरेज होता है कि नहीं, स्टोरेज होता है क्यों, अगर आप यूनिट कंप्यूटर कह रहे हैं कंप्यूटर की वो भी तो इकाई है। ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे आप स्टोरेज डिवाइस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पांच नंबर नेटवर्किंग डिवाइस। ठीक है, देखो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत क्या क्या आएगा, इनपुट का मतलब ये हो जाता है कि ऐसा डिवाइस जिसके माध्यम से हम कोई इंस्ट्रक्शन दें, किसको कंप्यूटर को, ऐसा डिवाइस जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दें। ठीक है, और इनपुट डिवाइस, ठीक है, इससे रिलेटेड क्या होगा, जैसे एग्जांपल ले लिया जाए कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ये भी कई टाइप के होते हैं, पांच छह टाइप है नंबर इसके, एक होता है स्टैंडर्ड कीबोर्ड, दूसरा होता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड, और तीसरा होता है एर्गोनॉमिक्स कीबोर्ड। एर्गोनॉमिक्स जो कीबोर्ड होता है उसका शेप होता है वी आकार में, ये थोड़ा कंफर्टेबल होता है फिंगर के लिए। ठीक है, इस आकार में इस टाइप होता है एर्गोनॉमिक्स कीबोर्ड। एक होता है कॉम्पैक्ट कीबोर्ड जो लैपटॉप के साथ आता है छोटा सा मेरे, ठीक है, और एक होता है वर्चुअल कीबोर्ड, वर्चुअल कीबोर्ड जिसे आप चैटिंग वगैरह करते हो, ठीक है ना, बैंक में आप जाते हो तो टच करते हो वो चीज़, ठीक है, तो चैटिंग वाला भी वर्चुअल कीबोर्ड आता है। एक होता है रोल्ड कीबोर्ड, हाँ वायरलेस भी आता है। रोल्ड कीबोर्ड ये होता है कि इसको आप जहाँ जरूरत है वहाँ इसको ऑन करो, जैसे फोल्ड करना है ना आपके पास रुमाल है, ठीक है, रुमाल से ओपन किया वैसे कीबोर्ड होता है, आपने यूज़ किया तो इसको रोल करके आप जेब में भी रख सकते हो। ठीक है, एक होता है वायरलेस कीबोर्ड, ठीक है, वायरलेस कीबोर्ड क्या होगा, एक चीप लगा करके आप कंप्यूटर से आप एक निश्चित डिस्टेंस तक आप कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड के बाद क्या होता है माउस, माउस भी इनपुट डिवाइस है कि नहीं। ठीक है, इसमें कितने पार्ट है, देखो ये अगर माउस कर ले हम तीन, अगर ये माउस मान लो, ठीक है, इसमें दो बटन होते हैं, ठीक है, ये अगर बटन कर दें यहाँ पर सीधे बीच में क्या होता है ट्रैक बॉल होता है ना, इसमें दो होते क्या है, दो बटन, एक होता है लेफ्ट एक राइट, और बीच में क्या होता है रोल बटन, ऐसे क्या होता है स्क्रॉल बटन जिसको होते हैं ना, क्या होता है पेज को अप डाउन करने के लिए, ठीक है, स्क्रॉल करने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके बाद कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, तीसरा क्या है स्कैनर, स्कैनर से क्या होता है हम किसी भी मैटर को स्कैन करके कंप्यूटर में देते हैं, मतलब क्या कोई हार्ड कॉपी हमारे पास है उसी को स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना, सीधी सी बात है ना। ठीक है, इसके अंदर का अगर एग्जांपल लिया जाए तो प्रिंटर हो गया सबसे सीधा एग्जांपल, हमारे पास फोन है फोन के साथ भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, है कि नहीं, और मोबाइल पे एक ऐप आता है बहुत ही अच्छा सा, इसका नाम है कैम स्कैनर। ठीक है, उससे आप क्या कर सकते हो, कोई भी आपके पास नोट्स वगैरह है आप उससे पीडीएफ बना सकते हो, उसमें उसमें कई फैसिलिटी मिलता है, आपको कार्ड वगैरह डिजाइन करनी है तो कर सकते हो, बिजनेस कार्ड डेवलप करना है तो भी कर सकते हो। ठीक है, ओसीआर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, स्कैनर हो गया, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा हमारे पास ओसीआर। ओसीआर क्या होता है, स्कैनर जैसा ही होता है, इससे क्या होता है जो हमारे पास जो हार्ड कॉपी में टेक्स्ट होते हैं हम चाहें तो इनको सॉफ्ट कॉपी में केवल टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं, स्कैनिंग करना इसका भी काम होता है, इसका पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है ना, इसके बाद क्या होता है वेबकैम, ओएमआर, ओएमआर का यूज़ कहाँ होता है, इसका पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मैप रीडर, ये कहाँ होता है यूज़ होता है आंसर से चेक करने के लिए, यानी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है MICR, इसका मतलब क्या होता है मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रीडर। ठीक है,
और इसका इस्तेमाल क्या होता है, चेक डीडी डिमांड ड्राफ्ट को पढ़ने के लिए इनका इस्तेमाल होता है ना। इसके बाद तीसरा क्या होता है, बीसीआर मतलब बार कोड रीडर, इसका इस्तेमाल क्या होता है, बिजनेस रिलेटेड जैसे शॉपिंग मॉल वगैरह कोई सामान अगर खरीद रहे हो आप, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, जो मशीन होती है अगर आपने ये स्कैनर कोड देखा होगा ये वाला कोड, ठीक है ना, ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, इसको स्कैन करने के लिए बीसीआर का, बीसीआर जो मशीन होती है उसका इस्तेमाल करते हैं। एक और चीज होता है क्यूआर, क्यूआर ठीक है, हमारे फोन में भी क्यूआर है, अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना है, इन्फॉर्मेशन पूरा पूरा डिटेल कंपनी के बारे में जानना है, या अगर व्हाट्सएप चलाते हो तो व्हाट्सएप वेब यूज करोगे तो स्कैन कर सकते हो, ठीक है, तो इसको पूरा नाम होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। अगर पेमेंट करना है पेटीएम का इस्तेमाल करते हो ना, तो दो चीज़ों को आप स्कैन करके इस्तेमाल कर लेते हो, ठीक है, बहुत आसान होता है पेमेंट करने का एक तरीका है, ठीक है, गूगल पे का भी इस्तेमाल करते हो तो क्यू आर का इस्तेमाल कर लेते हो, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, लाइट पेन, लाइट पेन का कहाँ इस्तेमाल होता है, लिखने के लिए, ठीक है ना, हम क्या करते हैं लाइट पेन का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें स्क्रीन पे कुछ लिखना होता है, इसका मोस्टली प्रयोग होता है ग्राफिक्स टेबल में, या अगर ऑनलाइन अगर एलसीडी पढ़ा रहे हो, ठीक है ना, टच पे, तो आप लाइट पेन का इस्तेमाल करते हो, जो मैं यहाँ से मार्कर से लिख रहा हूँ वो लाइट पेन हो सकता है, ठीक है। इसके बाद डिवाइस है, हाँ इनपुट डिवाइस है, तो इसे लिखा जाता है ना, इनपुट दे रहे हो, ठीक है, ओके। लाइट पेन के बाद क्या होगा, जॉयस्टिक्स, इससे क्या होता है, ये गेम कंट्रोलर होता है, जैसे अगर वीडियो गेम वगैरह खेल रहे हो तो आप क्या करते हो, इससे कुछ इंस्ट्रक्शन देते हो ना, सिंपल सी बात है कि इंस्ट्रक्शन जिस डिवाइस से दिया जाए वो क्या करेगा, इनपुट डिवाइस चलाएगा, है ना, तो जॉयस्टिक्स हो गया। इसके बाद वेबकैम, ये क्या है, अगर आपने डेस्कटॉप पे अगर कैमरा लगा देते हो, मान लो ये डेस्कटॉप है, ठीक है, आपके ऊपर लगा दिया वेबकैम, ये कैमरा लगा दिया, इससे क्या होता है, आप वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हो, है कि नहीं, ठीक है, वीडियो चैटिंग कर सकते हो, वीडियो हॉल में अपना यानी इंटरव्यू वगैरह का भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है, इससे क्या हो रहा है, ये भी इनपुट का काम कर रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, माइक होता है कि नहीं, माइक से भी इनपुट देते हैं, ट्रैक बॉल भी होता है, ठीक है, तो ये कुछ इनपुट डिवाइस के नाम है। इसके बाद डिवाइस की बात हम बात करेंगे, आउटपुट डिवाइस, ठीक है, आउटपुट डिवाइस का मतलब क्या है, ऐसा डिवाइस जिसके माध्यम से क्या मिले, रिजल्ट, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे आउटपुट डिवाइस के माध्यम से, ऐसे कौन से डिवाइस है, जैसे हम यहाँ पे कीबोर्ड से इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, अगर ये मान लो ये हमारे पास पीसी है और यहाँ हमने क्या किया, यहाँ से कुछ इंस्ट्रक्शन दिया, ठीक है, तो क्या करता है ये डिवाइस, इसको रिजल्ट दिखाता है, जैसे हम यहाँ कुछ टाइप करते हैं तो यहाँ पे शो करता है ना, ठीक है, ओके, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, मॉनिटर, अगर मॉनिटर की बात करें तो मॉनिटर कुछ टाइप भी होते हैं अलग अलग, कोई नाम वीडियो है ना जी, यहाँ पे और भी नाम इसके हैं, वीडियो मतलब वीडियो डिस्प्ले यूनिट और जीयूआई, इसका नाम है ना मॉनिटर का, ठीक है, इसको होता है क्या, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसके बाद क्या होता है सीआरटी, अगर सीआरटी की बात करें तो इसका जो मॉडल होता है इस टाइप का होता है, इसका जो बैक साइड होता है ये थोड़ा सा निकला होता है डब्बे जैसा, ठीक है, ये पुराने डिजाइन का जो मॉनिटर था वो सीआरटी में आता था, इसका पूरा नाम क्या है, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है, और क्या होता है एलसीडी, ठीक है, एलसीडी का मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसमें क्या होता है एलईडी, ये क्या होता है लाइटिंग इमिटिंग डायोड, ठीक है, तो क्या हो गया ये मॉनिटर का टाइप है। इसके बाद मॉनिटर के बाद क्या आएगा प्रिंटर, प्रिंटर भी क्या है एक आउटपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से क्या करता है वो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है, यही करता है ना। अगर मैं यहाँ पर एक प्रिंटर जोड़ दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन देगा यहाँ पर, ठीक है, ये बाहर आ जाएगा, यहाँ कुछ मटेरियल रेडी कर लिया आपने, प्रिंट कमांड दिया, ठीक है, यहाँ से प्रिंट होकर बाहर आ गया, ठीक है, ये शीट आ गया, तो क्या करता है किसी भी सॉफ्ट कॉपी को ये हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है, सीधी सी बात है, ठीक है। इसके दो टाइप होते हैं,
कौन बोल रहे हैं? इंपैक्ट प्रिंटर, और दूसरा क्या होता है? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर और इंपैक्ट प्रिंटर क्या होता है? देखो इंपैक्ट मतलब ये होता है, सिंपल सा समझना कि इंपैक्ट मतलब होता है छाया, ठीक है ना, या स्ट्रोक की बात कर सकते हैं हम। अगर सिमिलर मीनिंग की बात करें तो हम स्ट्रोक की बात कर सकते हैं, और इंपैक्ट का मतलब हो जाता है ऐसे डिवाइस, ऐसे प्रिंटर जो स्ट्रोक बेस पे काम करते हैं, यानी प्रहार, ठीक है, हथौड़ा यूज होता है ना, स्टिक यूज होता है, जैसे टाइपराइटर है, तो जब बटन प्रेस करता है कोई बंदा स्ट्रोक पे, ठीक है, तो जाके वो स्लिप पर जो पेपर होता है उसमें जाके प्रहार करता है, तो जाके अक्षर बनता है, ठीक है। तो इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर क्या क्या आएगा? इसके अंतर्गत पहला आएगा लाइन प्रिंटर और लाइन प्रिंटर के बाद और क्या होता है? आपने डेजीबी का नहीं सुना? डेजीबी का, डेजीबी प्रिंटर, ठीक है। देखो डेजीबी प्रिंटर भी होता है, डेजीबी प्रिंटर होता है नहीं? Yes. और इसके बाद एक और चीज क्या होता है? डॉट मैट्रिक्स, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है इसमें क्या होता है कि ये डॉट बेस पे काम करता है, जैसे आपने टेक्स्ट की बनावट देखा है। और हाँ, इंपैक्ट प्रिंटर की जो छपाई होती है, प्रिंटिंग क्वालिटी होती है काफी लो होती है, और कास्ट भी कम पड़ता है, क्वालिटी कम होगी तो कास्ट भी कम होगा, लेकिन जो इसकी प्रिंटिंग स्पीड है काफी कम है, काफी स्लो काम करती है, ठीक है। तो समझना, जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, मान लो मुझे डॉट मतलब देखो सनामी है, डॉट क्या, और कोई अक्षर लिखना है, मान लो मुझे लिखना है एच, ठीक है, तो ये एच सिंपल सा बना हुआ है, ये इस क्वालिटी में लिया इसको। जैसे आप रेलवे टिकट बुक जाते हो वहाँ काउंटर पे, तो आपको रेलवे टिकट मिलता है ना, तो ऐसा कुछ बनावट में आता है, ठीक है, इस कारण लिखा हो जाएगा, डीबीटी, हाँ वो चीज़ है। तो इसके अंदर इंपैक्ट प्रिंटर आ गया। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की बात करें तो क्या हो जाएगा? ऐसे प्रिंटर जो बहुत ही स्मूथली काम करते हैं, बिना आवाज के, कम वॉइस होता है, बहुत ही नॉर्मल वॉइस होता है, ठीक है, इनके मुकाबले, ठीक है, इसको देखते हैं। इसके अंदर क्या हो जाएगा? हाँ, अब क्वालिटी की बात करें हम, क्वेश्चन इस तरह से पुट अप हो सकता है कि इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में क्वालिटी किसकी बेटर होती है, ठीक है, तो ख्याल रखना क्वालिटी इसकी बेटर होगी। अगर बात बात करते हैं, ये लिखा जाए और ये लिखा जाए तो दोनों में क्या होगा? फर्क होगा। ये इंपैक्ट प्रिंटर का है और ये क्या है? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। तो क्लियरिटी इसकी होगी, जिसकी क्लियरिटी अच्छी होगी उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, ठीक है ना। हाँ, इसके अंदर पहले क्या होगा? लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर का यूज मोस्टली कहाँ होता है? जीरोक्स वगैरह करने के लिए, कोई अगर असाइनमेंट अगर प्रिंट करना है या कोई बुक्स वगैरह प्रिंट करना हो तेजी तो हाँ, इसका जो स्पीड होता है काफी तेज होता है इसके मुकाबले। और एक मिनट में लगभग कितना प्रिंट करता है? लगभग 15-20 पेज प्रिंट कर देता है, ठीक है ना। अब प्रिंटर की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। और हाँ, इसकी जो क्वालिटी होती है काफी अच्छी होती है क्वालिटी। इसके बाद हाँ, एक और चीज समझना है, इसमें जो पाउडर यूज होता है, इसमें जो इंक यूज होता है, पाउडर यूज होता है, पाउडर का नाम है क्या? टोनर, ठीक है। जो पाउडर यूज होता है इसमें ड्रम लगा होता है, देखो ये ड्रम लगा हुआ है, छोटा सा सिलेंड्रिकल ड्रम जिसमें पाउडर फिट किया जाए। अच्छा, ये जो प्रिंटिंग होती है, अगर जीरोक्स करा लेते हैं तो क्या ऐसे ही कोई कमांड दे दिया हमने कंप्यूटर से तो वहाँ पे प्रिंट हो जाता है? नहीं, क्या कहते हैं, जो इंक होता है पाउडर, जैसे हम प्रिंटर ऑन करते हैं तो क्या कहता है? इंक को हीट करता है, इंक को हीट करेगा, जब पेपर उसके अंदर जाएगा तो पेपर भी हीट होता है, जब दोनों का कॉमन लेवल आ जाएगा तो जिन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है तो क्या होता है उस पर छप जाते हैं, समझा, ठीक है। इसको बोलते हैं ना लेजर प्रिंटर। और दूसरा क्या होता है? इंकजेट। इंकजेट प्रिंटर क्या होता है? ये काम करता है लिक्विड बेस पे, ठीक है,
कैसे काम करता है? लिक्विड बेस, जो लिक्विड बेस होता है, मतलब कि स्याही की बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है, इससे इसका यूज मोस्टली क्या होता है, फोटोशॉप वगैरह में होता है, स्टूडियो वगैरह में होता है, कलर इमेज निकालने के लिए। और कलर कौन सा फोटो भी यूज होता है? आरजीबी कलर, ठीक है। आरजीबी का पूरा नाम क्या होता है? रेड, ग्रीन और ब्लू, है ना, ठीक। अब इसमें पूछा जाए कि इसमें से इन दोनों में से प्रिंटिंग क्वालिटी किसकी अच्छी होती है? ठीक है, तो लेजर की होती है, हालांकि इससे फोटो बनता है, ठीक है, लेकिन जो क्वालिटी होती है, क्वालिटी की बात करेंगे हम, तो हम लेजर की बात करेंगे इसका, ठीक है। इसके बाद क्या है, कौन सा प्रिंटर है? प्लॉटर, प्लॉटर है ना, यस सर। प्लॉटर का यूज क्या होता है? 3D इमेज प्रिंट करने के लिए ना, कोई 3D इमेज हो उसको प्रिंट करने के लिए, या ग्राफ वगैरह हो उसको प्रिंट करने के लिए, या कोई आपके पास मैप वगैरह हो तो आप क्या करोगे, प्लॉटर इस्तेमाल करोगे। एक कोई एक और क्या है, एक मेडिकल में यूज होता है, क्या नाम उसका, एक्सरे मशीन में, उसको होता है 3D प्रिंटर, ठीक है। 3D प्रिंटर के अंदर एक्सरे मशीन जो होता है मेडिकल साइंस में यूज होता है वो आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कुछ और चीज आना, अगर लेजर प्रिंटर की बात करें इसमें भी कई क्वालिटी है, जैसे क्या, हैंड हेल्ड डिवाइस, हैंड हेल्ड डिवाइस, जो बस कंडक्टर यूज करता है ना निकालने के लिए टिकट, वो यूज करेगा। एक होता है पीओएस मशीन, शॉपिंग वगैरह में जाते हो, ठीक है, आपने कुछ माल खरीद लिया, सामान खरीदा, आप क्या तो कार्ड स्वाइप करते हो, उससे जो रसीद निकलती है वो भी इसके अंदर कर जाती है ना, ठीक है। एक और चीज होता है जो बिजली बिल, जो रसीद बना के देता है आपको, वो भी मशीन इसके अंदर, ठीक है। ये रहा प्रिंटर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइस, ठीक है। तो प्रोसेसिंग डिवाइस का मतलब क्या, यहाँ पर आप देख सकते हो, जब आप कोई मटेरियल टाइप करते हो तो क्या होता है, इसके पास जाएगा, ये क्या उसको करेगा, प्रोसेस करेगा, ये करेगा ना। तो प्रोसेस में क्या आएगा, पहला मदरबोर्ड, ठीक है। मदरबोर्ड जो होता है कंप्यूटर का मेन बोर्ड होता है। एक क्वेश्चन पूछता है ट्रू फॉल्स में, मदरबोर्ड इज अ मेन बोर्ड ऑफ कंप्यूटर, तो आंसर क्या होना चाहिए, ट्रू, ठीक है। अगर नॉट लिख दे, वहां पे क्या होता है ना, हम लोग अक्सर टू भी चेक कर लेते हैं सर, ठीक है ना, तो अक्सर वहां पे क्या होता है, नॉट लिख देता है, और नॉट को हम केयर नहीं करते, लगा देते हैं सर। इस चीज को हमेशा ख्याल रखो, क्वेश्चन एक बार नहीं दो बार पढ़ लिया करो, ठीक है, ये हेल्प करेगा। मदरबोर्ड में क्या होगा, बस क्या होता है, जो डेटा सिग्नल को, डेटा को क्या करता है, कैरी कराता है, एक डेस्टिनेशन से लेकर के दूसरे डेस्टिनेशन पे कवर कराता है, ठीक है। इसके बाद पोर्ट होगा, पोर्ट मतलब क्या, पोर्ट मतलब ये है कि जहां पर पेरिफेरल डिवाइस, जो कंप्यूटर जो बाहरी डिवाइस होते हैं, फिजिकल डिवाइस, उनको कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाए, उसको बोलते हैं क्या हम लोग, पोर्ट, जिस प्लेस पे कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं पोर्ट, है ना। जैसे USB केबल का पोर्ट हो गया, VGA का पोर्ट हो गया, साउंड का पोर्ट हो गया, ये इसके अंदर आएगा। इसके बाद माइक्रो प्रोसेसर, ये क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, कंप्यूटर की स्पीड को इंक्रीज करता है, है ना, ठीक है। इसके बाद क्या है, SMPS, इसका मतलब क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। ये क्या करता है, अगर देखो यहाँ पे SMPS लगा होता है, ये बोर्ड होता है, मान लो ये मेन बोर्ड है, आपने यहाँ से करंट दे दिया, ठीक है, तो जैसे आप करंट देते हो ना, तो पहले करंट यहाँ पे आता है, यहाँ पे आएगा, फिर ये मेन बोर्ड को भेजेगा, मेन बोर्ड किसे भेजेगा, यहाँ पे ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर को भेजेगा, ठीक है, फिर ये सबको सप्लाई करेगा भारी भारी, समझ आया। इसको बोलते हैं क्या, स्विच मोड पावर सप्लाई, ओके। तो ये जो होता है इसमें क्या होता है, कंप्यूटर का जो डेट टाइमिंग होता है, ठीक है, डेट और टाइमिंग इसके अंतर्गत होता है। ये एक सिक्के का होगा, जब कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं
तो ये क्या होता है, ऑटोमेटिकली चार्ज होता है। इसके साथ एक चीप जुड़ी होती है, छोटी सी चीप। ये क्या करता है, इसमें कोड होता है अपने कंप्यूटर का, मतलब क्या डेट टाइम वगैरह का सेटिंग का। तो ये क्या करता है, इसको पावर सप्लाई देता रहता है, जिससे क्या होता है कंप्यूटर का जो डेट होता है वो मैनेज होता है, डेट होता है। ठीक है, अगर कंप्यूटर को कुछ टाइम हम छोड़ दें, मतलब एक दो महीना अगर चलाना छोड़ दें, ठीक है, तो क्या होता है डेट अनमैनेज रहता है। तो क्या करना होगा, हमें इसको चार्ज करके जब कंप्यूटर को ऑन कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिक चार्ज हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज़ होता है कि कंप्यूटर को बार बार चलाते हैं लेकिन उसका डेट सही नहीं रहता है, तो आप बायोस ऑन करके इसे बोलते हैं लोग क्या, बायोस BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उसी वक्त एक आता है सेटिंग, बायोस सेटिंग। हम बायोस सेटिंग ओपन करके डेट और टाइम को डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बायोस का पूरा नाम क्या होता है, उसका पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, ये हो गया प्रोसेसिंग डिवाइस। इसके बाद क्या होगा, स्टोरेज डिवाइस। अगर हम स्टोरेज डिवाइस के बारे में बात करें तो क्या हो सकता है, ऐसा डिवाइस जहां पर डेटा स्टोर होता है ना। हम दो टाइप के स्टोरेज डिवाइस के बारे में बात करेंगे, एक होगा प्राइमरी डिवाइस, दूसरा क्या होगा सेकेंडरी, है ना। ओके, हम बात करते हैं प्राइमरी डिवाइस के बारे में, दूसरा सेकेंडरी, सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी के अंदर क्या होता है, इसमें होगा सीरीज में रैम पाई जाती है। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको बोलते हैं क्या, वोलेटाइल मेमोरी या नॉन वोलेटाइल, क्या बोलते हैं, वोलेटाइल मतलब क्या, टेम्परेरी मेमोरी, इसको बोलते हैं क्या, टेम्परेरी। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है अलग अलग एग्जाम में, रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी टू या पॉज। ठीक है, इसको ख्याल रखिएगा, इसको बोलते हैं लोग टेम्परेरी मेमोरी, है ना। टेम्परेरी मेमोरी का अर्थ ये होता है कि जब तक सप्लाई है कंप्यूटर में, काम हो रहा है तब तक डेटा रैम में रहेगा, जैसे सप्लाई बंद हुआ, ठीक है, डेटा क्या हुआ, फ्लैश हो जाएगा, है ना। इसमें भी दो टाइप होते हैं, तीन टाइप होते हैं, एक होता है स्टैटिक रैम, ओके स्टैटिक रैम होता है, दूसरा होता है डायनामिक रैम, डायनामिक रैम, एक होता है वी रैम, इसको होता है वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन पूछ देता है कि वी रैम का पूरा नाम क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ख्याल रखिए सबका। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, रोम, रोम का पूरा नाम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, मतलब क्या, इसका काम क्या है, केवल पढ़ना, है ना। और इसके अंदर कितने टाइप होते हैं, इसके पी रोम, ठीक है ना, यानी पी रोम का पूरा नाम क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और इसके बाद क्या होता है, ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें ये क्वेश्चन ये पूछता है कि इसका जो इरेज मतलब क्या है, मिटाना, फ्लैश करना, तो जो फ्लैश करने का प्रोसेस है वो किस बेस पर है, आपको पता है, यूवी रेज, यानी अल्ट्रावायलेट किरण से इसको फ्लैश किया जाता है ना, यूवी रेज। ओके, इसके बाद डबल ईपी रोम, इसका जो फ्लैशिंग पॉइंट, इसका मतलब होता है इरेजेबल इलेक्ट्रॉनिकल, ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका फुल फॉर्म नहीं है, इसका पूरा नाम याद रखिएगा अच्छे से। ये कैसे इरेज होता है, इलेक्ट्रिक बेस होता है, मतलब क्या, इरेजिंग जो पॉइंट होता है, इरेज करने का प्रोसेस क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक बेस से होता है और अल्ट्रा रेज से होता है, क्लियर। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, कुछ और चीजें जानो, यहाँ पे हम कुछ और चीज डिस्कस करेंगे। इसके बाद होता है कैच, कैच मेमोरी, यानी नंबर थर्ड का, ठीक है ना, रैम, रोम और कैच। कैच मेमोरी जो होती है प्रिंटर में भी लगी होती है, आपके कैमरा में भी लगी होती है, फोन में भी लगी होती है। ये क्या होता है, सिस्टम के स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाता है, ठीक है ना, हाई स्पीड मेमोरी इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। और रैम रोम से भी छोटा मेमोरी है ये, है ना, ठीक है। जब हम प्रिंटर में कमांड दे देते हैं, मान लो मुझे 100 पीस प्रिंट करनी है,
ठीक है, प्रिंटर मुझे 100 पेज प्रिंट करनी है, तो जैसे कमांड आप दोगे तो क्या होगा, उस मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। क्लियर? हाँ, इसके बाद जो चौथा मेमोरी होगा क्या होगा, रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है, सबसे छोटी मेमोरी और सबसे तेज मेमोरी जो होती है रजिस्टर होता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है, अभी पिछले साल JRF में क्वेश्चन पूछा था नेट में, कि इसका एक सीरीज बताइए, असेंडिंग और डिसेंडिंग बोलते हैं, ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग पूछा था कि सबसे छोटी मेमोरी क्या है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, जो सबसे छोटी मेमोरी क्या है और सबसे तेज मेमोरी क्या है वो चीज़, ठीक है। इसका क्रम साल याद रखिएगा, सबसे छोटी मेमोरी रजिस्टर, उसके बाद क्या है, फिर रो, फिर रैम। सबसे तेज रजिस्टर है, सबसे छोटी, हाँ सबसे छोटी।